नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। पनवाड़ी कोटेदारों ने विपणन गोदाम प्रभारी के खिलाफ दिया ज्ञापन। कोटेदारों के गोदाम प्रभारी पर घटतौली, अभद्रता एवं 3/7 में फंसाने के लगाए आरोप। कोटेदारों ने बताया कि गेहूं की बोरी को बिना तौले 52 किलो और चावल की बोरी को 51 किलो दिया जाता है। उन्होंने बताया कि गोदाम प्रभारी राम बाबू यादव से जब तौल कम होने पर कहते हैं तो अभद्रता करते हैं और झूठे हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी देते हैं। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पहाड़ को कोटेदारों ने सौंपा ज्ञापन। महोदय ने बताया कि जल्द ही लगाए गए आरोपों की जांच कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर, आपका क्या नाम है और किस पद पर है क्या, और ये आपको ये ज्ञापन दिया गया है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं आप। मैं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हूँ जी। इन लोगों ने ज्ञापन दिया गोदाम प्रभारी द्वारा जो है जी, खाद्यान्न की बोरियां टोल पे नहीं दी जा रही है जी, और बोरे वोरे का वजन नहीं किया जा रहा है जी। एप्लीकेशन अभी आया है इनका जी, इसकी जांच होगी फिर कार्रवाई होगी। सर, एक बात और कहना चाहूंगा, गोदाम प्रभारी के द्वारा 3/7 हरिजन एक्ट की जो धमकी दी जाती है कोटेदारों को, इसमें क्या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे इसमें क्या है क्या नहीं है, वो तो मैं जब जाँच करूंगा उसमें तभी बता पाऊंगा। ये तो अभी तुरंत एप्लीकेशन आया है, इसकी जाँच कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। आपका क्या नाम है, किस जगह के आप कोटेदार हैं और क्या है आपके साथ घटना घटती है, जरा विस्तार से बताएं। अरविंद कुमार नाम है, पनवाड़ी कोटेदार। खाद्य में उठाने जाते हैं तो 52 किलो की बोरी दी जाती है, 50 किलो की जगह। और हेलो नारायण दास पनवाड़ी, क्या घटना घटी आपके साथ? गोदाम पर माल उठाने गया तो मैंने कहा कि मुझे तौल कर माल चाहिए, तो मैंने कहा मेरा घाटा खराब है, मैं तौल के नहीं दूंगा। क्यों घाटा सही नहीं? मैंने कहा मुझे घाटा चेक करना है तो बोले ले आओ बाट अपना कुछ चेक कर लो। और क्या कहा उन्होंने? और उन्होंने ये कहा है हमसे धमकी देते हैं। किस चीज की? 3/7 लगवा देंगे हरिजन एक्ट। कोटेदार जयचंद राज गोदाम पे गल्ला लेने गए, कांटे पे जब हमने तौल की तो कांटे में भी डिसबैलेंस था, जो 50 किलो की बोरी है उसमें वजन कांटे में 51 किलो बताया जाता है। इस संबंध में जब मैंने अपने यहाँ आकर के उस माल को तोला तो बोरी 50 किलो की थी, जो मुझे गोदाम के कांटे पर 51 किलो की प्राप्त हुई। उसके बाद मैंने गोदाम प्रभारी से बात की तो गोदाम प्रभारी ने मुझसे कहा देखिए कांटा ना हम बनाते हैं ना आप बनाते हैं, और कांटे में कुछ भी हो सकता है, तो कांटा 100% है कि बना हुआ है, इसलिए हम कोटेदारों को माल कम मिलता है और उसके एवज में जो हमें बोरी मिलती है उसका भी माल नहीं मिलता है, ना खाद्यान्न मिलता है। हम इसलिए चाहते हैं कि जो हमारी ये व्यवस्था है संपूर्ण रूप से कोटेदारी शुद्ध हो चुकी है, हमें भी गोदाम से संपूर्ण माल मिले जिससे हम सम्मानपूर्वक तरीके से अपने ग्राहकों को माल दे सकें और अपनी पूरे सम्मानीय तरीके से उनसे बात कर सकें। हमें खाद्यान्न कम दिया जाता है, उसके एवज में हम जब खाद्यान्न बांटते हैं हमारा माल शॉर्ट हो जाता है, इसके बाद में मुझे दुकान से खरीद करके भी माल बांटना पड़ा क्योंकि मैं अपनी प्रतिष्ठा को कहीं से गंवाना नहीं चाहता हूँ। और शिकायत की जाती है तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या हमारी शिकायत जहाँ तक कीजिए, हम किसी तरह से पीछे हटने वाले नहीं है। गोदाम प्रभारी ऊपर से इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या नाम है आपके गोदाम प्रभारी का? गोदाम प्रभारी राम बाबू यादव। थैंक यू। खबर समय जगत के लिए पनवाड़ी से अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।